Dr. Abhayed and I am representing Mastery Network. So last time we were discussing about the reactive oxygen species. इसमें हमने पढ़ा था कि reactive oxygen species होती क्या है, वो बनती कैसे, उनकी types क्या है, ठीक है. अगर वो बन गई है ठीक है, तो उसको फिर हमने जो है वो कौन से चीजें हैं जिनकी वजह से फ्री रेडिकल्स की जनरेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है. वो कौन से मैकेनिज्म है जिनके जरिए हम जो है फ्री रेडिकल की जो है उनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं या सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सेल की इंजरी कॉज करते हैं तो वो कौन से मेन रिएक्शन कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है. तो उसमें हमारे पास मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं उनकी परऑक्सीडेशन कॉज कर देंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस डिस्टर्ब कर देंगे और डीएनए डैमेज कर देंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हमने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है. तो हम सबसे पहले हम देखेंगे डिफेक्ट्स इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है. जब मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो वहां पे सेलुलर कंटेंट क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा, ठीक है, और वहां पे नेक्रोसिस हो जाएगी. और मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस वजह से डैमेज होती है, इस्कीमिया की वजह से हो सकती है, ठीक है. माइक्रोबियल कोई टॉक्सिन आ गया उसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, ठीक है. या उसके अलावा कोई कॉम्प्लीमेंट कॉम्पोनेंट्स उन्होंने क्या कर दी, मेम्ब्रेन की लाइसिस या ब्रेक डाउन कर दी, तो उसकी वजह से जो है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है. उसके अलावा कोई फिजिकल और केमिकल इंजर्स जो है मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है. तो अब हमने देखना है कि वो कौन से बायोमैकेनिकल मैकेनिज्म है जो कि मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं. तो उसमें सबसे पहले देखना है कि अगर मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है. और फॉस्फोलिपिड्स का लेवल सेल जो है मेम्ब्रेन में कब डिक्रीज होता है, जब एटीपी का लेवल क्या हो, डिक्रीज हो. पहले मैंने आपको बताया था ना पीछे, ठीक है, जब एटीपी का लेवल डिक्रीज, ठीक है, तो हमारे पास जो है मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. अच्छा जी, अभी हमारे पास जब भी फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस डिक्रीज होगी तो इसने सेल की मेम्ब्रेन को भी डैमेज करना है और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को भी क्या करना है, डैमेज करना है, जिसकी वजह से फर्दर जो है एटीपी का लॉस होगा और वो जो है फिर सेल की इंजरी हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म है, अगर हमारे पास फॉस्फोलिपिड बन तो रहा है लेकिन उसकी प्रोडक्ट जो उसकी ब्रेक डाउन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है. ब्रेक डाउन किस वजह से इंक्रीज हो रही होती है, कि अगर हमारे पास जो है फॉस्फोलिपिड जो है उनके अंदर उनको कौन ब्रेक डाउन कर दे, फॉस्फोलाइपेज, ठीक है. जब भी सेल इंजरी हो और हमारे सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो, तो कैल्शियम के लेवल ज्यादा होने से एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, तो उसमें से फॉस्फोलाइपेज भी एक्टिवेट होता है जो कि फॉस्फोलिपिड्स की ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है. उसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी क्या करते हैं, हमारे पास लिपिड की परऑक्सीडेशन कॉज कराते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास साइटोस्केलेटल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है. ये साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल के अंदर के स्ट्रक्चर के साथ क्या कर रहे थे, बाइंड कर रहे थे, ठीक है. इन्होंने प्रॉपर जो है सेल के स्ट्रक्चर को, उनकी मोटिलिटी को और सिग्नलिंग को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, ठीक है. तो हमारे जब सेल के अंदर प्रोटीएजेस एंजाइम जो है, जब भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो किसी इंजरी की वजह से, तो प्रोटीएजेस एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, ठीक है. वो प्रोटीन साइटोस्केलेटल के प्रोटीन्स को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, क्योंकि साइटोस्केलेटल डैमेज होगा तो वो मेम्ब्रेन को जो है सेल के साथ जो है बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की डैमेज हो जाएगा. नेक्स्ट फिर हमारे पास है लिपिड ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स, ठीक है. इसमें हमारे पास कौन से प्रोडक्ट आ रहे थे, फ्री फैटी एसिड, एसाइल कार्निटिन और लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है. ये सारे के सारे जब भी फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन होती है तो ये प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, एकुमुलेट हो जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है. तो जब ये प्रोडक्ट्स एक्युमुलेट होते हैं तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर डिटर्जेंट इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है. ये क्या करेंगे, या तो लिपिड जो मेम्ब्रेन है लिपिड के बाय लेयर के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर ये क्या करेंगे, इन्होंने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया जब फॉस्फोलिपिड्स की डिग्रेडेशन हुई, ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन गए. इन प्रोडक्ट्स ने क्या करना है, वहां पे जो मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी फॉस्फोलिपिड्स थे उन्हें क्या कर देंगे, निकाल देंगे और खुद वहां पे उनकी जगह पे क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल ऑल्ट्रेशन मीन्स के आयन वगैरह में, ठीक है, केमिकल्स की सिग्नलिंग में और नर्व इंपल्स की सिग्नलिंग में क्या हो जाएगी, ऑल्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है. एक यह है हमारे पास मैकेनिज्म. उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा होता है, ठीक है, वो कौन सा मेम्ब्रेन डैमेज होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन डैमेज होता है,
ठीक है, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डैमेज होगी एटीपी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डैमेज हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है सारा सेल का कंटेंट लीक आउट कर देगा, ऑस्मोटिक बैलेंस लॉस हो जाएगा, ठीक है, सेल के अंदर फ्लूइड्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसके अलावा सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, उसके अलावा सेल का कंटेंट जब लीक होगा तो मेटाबोलाइट्स भी लीक आउट कर जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से फिर एटीपी जो है क्या उसकी डिप्लीशन होगी, ठीक है, जब एटीपी की डिप्लीशन होगी तो एनर्जी स्टोर्स डिप्लीट होंगे, ठीक है, फिर सेल के सारे स्ट्रक्चर फंक्शनिंग क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी या बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और सेल की डेथ या इंजरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन की डैमेज हो, ठीक है, तो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं, ठीक है, वो एंजाइम लीक आउट करेंगे, साइटोप्लाज्म में जो है जमा हो जाएंगे, ठीक है, उन्होंने क्या कर देना है, उन्होंने जो है पीएच जो है एसिडिक कर देनी है, ठीक है। जब हमारे पास लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो जो राइबोसोम्स को जो है उसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, प्रोटीन्स को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ग्लूकोज वगैरह है, ग्लाइकोजन है, उनको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी लाइसोसोम के एंजाइम लीक आउट करते हैं तो वो सेल के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं और सेल की डेथ कॉज करा देते हैं बाय द नेक्रोसिस, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये डायग्राम में आप देखें, ठीक है, अब ये देखें हमारे पास जो है मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन डैमेज इन सेल इंजरी बताया हुआ है, ठीक है। अब जब भी ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पे एटीपी के जनरेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एटीपी की जनरेशन डिक्रीज होगी तो फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, फॉस्फोलिपिड की जब सिंथेसिस डिक्रीज तो फॉस्फोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन से लॉस्ट होने लग जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास जो है जब भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है तो वो लिपिड की क्या कर देती है, परऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से फॉस्फोलिपिड लॉस होगा और मेम्ब्रेन डैमेज, ठीक है। उसके अलावा जब सेल के अंदर जो है इंजरी होती है तो उसमें कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है तो इसने फॉस्फोलाइपेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है, जब एक्टिवेट होते हैं तो ये फॉस्फोलिपिड्स की डिग्रेडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में जो लिपिड के जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं वो एकुमुलेट हो जाते हैं और वो मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा जब भी इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो इन्होंने प्रोटीज एंजाइम्स को क्या कर देना, एक्टिवेट कर देना, जिसकी वजह से साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स का डैमेज होगा, वो मेम्ब्रेन को सेल के कंटेंट्स के साथ जो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास क्या है, डैमेज टू द डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अब जो है हमारे पास सेल के अंदर जब भी डीएनए की डैमेज होता है तो सेल जो है उसको रिपेयर कर लेता है, लेकिन अगर जो है हमारे पास डैमेज बहुत ज्यादा स्वेयर हो या आप उसे ठीक ना कर पाओ, ठीक है, तो इंजरी क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। मोस्टली इरिवर्सिबल इंजरी जब होती है जब रेडिएशनल इंजरी हो या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, तो हमारे पास जो डीएनए है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो जब डीएनए डैमेज होगा तो सेल अपने सुसाइड प्रोग्राम स्टार्ट करेगा और एपोप्टोसिस में चला जाएगा। उसके अलावा डीएनए की डैमेज जब भी होता है जब हमारे पास जो है इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन्स की एक्युमुलेशन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है फ्री रेडिकल्स भी प्रोटीन्स की इम्प्रॉपर फोल्डिंग कॉज करा सकते हैं, या इनहेरिटेड म्यूटेशन वगैरह भी जो है इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन्स कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से जो है डीएनए और न्यूक्लियस जो है वो उसका फंक्शन भी और स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। उसमें मेन हमने मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में क्या पढ़ा था कि एटीपी की डिप्लेशन से क्या हो रहा था कि हमारे पास जो एटीपी नहीं बन रहा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही, तो रिवर्सिबल इंजरी होगी और नेक्रोसिस हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में भी हमने यही पढ़ा था कि एटीपी की डिप्लेशन होगी, ठीक है, तो जो हमारे पास सेल के फंक्शन होते हैं जिसमें हमें एटीपी चाहिए होता है वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे, फिर नेक्रोसिस होगी, ठीक है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स लीक आउट कर सकती है तो उसमें एपोप्टोसिस हो सकती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में नेक्रोसिस भी हो सकता है और एपोप्टोसिस भी हो सकती है, जब एटीपी की डिप्लेशन होगी तो नेक्रोसिस, अगर प्रोटीन लीक आउट कर रही है तो एपोप्टोसिस, ठीक है। कैल्शियम का जब इन्फ्लक्स होता है तो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट को डैमेज करता है और एपोप्टोसिस कॉज कर देता है। जब हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एकुमुलेट करती है, ठीक है, तो उन्होंने जो लिपिड को भी डैमेज करना है, ठीक है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस को भी डिस्टर्ब करना है और डीएनए को भी डैमेज करना है। अब जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जब डैमेज होती है, ठीक है, तो उसमें मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज हो तो वो नेक्रोसिस कॉज कर देती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जब डैमेज डीएनए है या मिसफोल्डेड प्रोटीन जब एकुमुलेट हो जाए सेल के अंदर तो उन्होंने क्या ट्रिगर करना है, एपोप्टोसिस को ट्रिगर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।